हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट पूजा। में फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दिवाली डेकोरेशन के लिए पेपर क्राफ्ट दिए। सो लेट्स बिगिन। मैंने कलरफुल पेपर ले लिए हैं और मैं इसे पेंसिल और बाउल की हेल्प से ड्रॉ कर लूँगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ कर लिया है और मैं इसे कट कर रही हूँ। ऐसे मैंने और भी कलर के पेपर लिए हैं जो मैंने ड्रॉ करके कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने सारे सर्कल ड्रॉ करके कट कर लिए हैं और अब मैं इन्हें फोल्ड करूँगी। सारे सर्कल को फोल्ड कर लूँगी। सो इसे कैसे फोल्ड करना है आप देख सकते हैं, और आप भी अपने घर पे ये ट्राई कर सकते हैं, जो हमें दिवाली डेकोरेशन के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा DIY लगेगा। सो मैं ऐसे ही सारे कलरफुल पेपर मैंने सारे फोल्ड कर लिए हैं, सारे सर्कल फोल्ड कर लिए हैं। देन मैं अब इन्हें पेस्ट करने वाली हूँ। सो इसे मैं ग्लू की हेल्प से पेस्ट करूँगी, और हमें ग्लू सिर्फ ओनली साइड से ही यूज करना है, ताकि हमारा जो साइड का कॉर्नर हो वो अच्छे से पेस्ट हो सके और बाहर का जो बाहर का साइड हो वो उभर के अच्छा दिखे। सो आप देख सकते हैं कि हमें कैसे पेस्ट करना है ग्लू की हेल्प से। सो मैंने ऐसे ही सभी को पेस्ट कर लिया है, जो मैंने और भी सर्कल कलरफुल सीट का यूज करा हुआ था और उन्हें पेस्ट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लुक इसका हमें दिख रहा है। और हमें ऐसी उंगलियों की हेल्प से इसे हल्का सा पेपर, जो हमने ज़्यादा ही फोल्ड कर लिया था अंदर को, वो थोड़ी हल्का सा पेपर को उंगलियों की हेल्प से खोलना है। सो मैंने सारे पेस्ट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा ये DIY क्राफ्ट लग रहा है। सो अब मैं इसमें एक ग्लिटर सीट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं दिए की जो दीपक की रोशनी होती है उसे ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ, और कट करने के बाद मैं इन सभी दियों पे पेस्ट करूँगी। जिससे हमारे दिए कंप्लीट हो जाएंगे और हम इसे दिवाली डेकोरेशन के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।